चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ रनिंग मैन हैज हाफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास। द मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय। द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द मैन विल बी कितना होगा? देखो एक आदमी है, ठीक है, और एक बच्चा है, ठीक है। इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम है, और दोनों के मास में क्या रिलेशन है? हाफ ऑफ द मास ऑफ द बॉय, ठीक है, ऑफ द, ये लिखा हुआ ना, दैट ऑफ अ बॉय ऑफ हाफ ऑफ हिज मास, ठीक है। तो कैपिटल एम और एम में क्या रिलेशन हुआ? कैपिटल एम इज इक्वल टू 2 × m, या m इज इक्वल टू m बाय 2, ये कहा जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन है? काइनेटिक एनर्जी में भी रिलेशन हाफ का है, ठीक है। जैसे ये आदमी चल रहा है v वेलोसिटी से, बच्चा चल रहा है स्मॉल v वेलोसिटी से, तो आदमी की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैन इज इक्वल टू क्या होगा? 1/2 m कैपिटल v स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय कितना है? हाफ स्मॉल एम वी स्क्वायर। तो दोनों में रिलेशन क्या है? मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ द बॉय, बॉय की काइनेटिक एनर्जी की आधी, ठीक है। बॉय की काइनेटिक एनर्जी, मैन की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉय, लेकिन मास जो है वो डबल है, ठीक है, ध्यान रखना। मास बॉय के मास का एक तरह से डबल है, that of a boy of half of his mass, यानी man का जो mass है वो boy के mass का double है, ये point याद रखना है, ठीक है ना, correct। अच्छा अब देखो relation establish जो हम लोगों ने किया है उसको जरा ध्यान से देखो। तो kinetic energy of man कितना है? half capital M capital V square is equal to half of kinetic energy of boy, boy की kinetic energy कितनी है? ये है 1/2 m small v स्क्वायर। अब कैपिटल एम और स्मॉल एम में क्या रिलेशन है? एम इज इक्वल टू एम कैपिटल एम बाई 2, तो यहां पर वो चीज देख सकते हैं आप, 1/2 से 1/2 कट गया, एम कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 इनटू, अब ये एम की जगह कैपिटल एम बाई 2 लिख सकते हैं और स्मॉल वी स्क्वायर, फिर से एम एम कट गया, कैपिटल वी स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल वी स्क्वायर अपॉन 4, इसे आप लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू वी बाई 2, यानी वेलोसिटी में ये रिलेशन है, मैन की वेलोसिटी और बॉय की वेलोसिटी, ये स्मॉल वी है, ये कैपिटल वी है। अब अगले स्टेप में क्या कह रहे हैं? मैन स्पीड्स अप बाय 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, आदमी जो है वो 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अपनी बढ़ा देता है। तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी क्या है? सो एज टू हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज दैट ऑफ बॉय, यानी फिर दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाती है बॉय की। तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज किसके आया? मैन के, और वो बराबर हो गई बॉय की काइनेटिक एनर्जी के, तो चेंज मैन की काइनेटिक एनर्जी में आया, बॉय की काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया। तो मैन की काइनेटिक एनर्जी हुई कितनी? हाफ कैपिटल एम वी प्लस 1, ये कैपिटल वी है, कैपिटल वी प्लस 1, 1 मीटर पर सेकेंड की स्पीड बढ़ गई, और स्क्वायर इज इक्वल टू बॉय की काइनेटिक एनर्जी तो वही है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लू, 1/2 कैपिटल एम v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, और स्मॉल m की जगह क्या ले सकते हैं? कैपिटल m / 2, कैपिटल m / 2 इनटू v स्क्वायर, m से m कटा, 1/2 से 1/2 कटा, इधर आया कैपिटल v प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्मॉल v स्क्वायर / 2 आया, ठीक है। यानी अगर रिलेशन स्टैब्लिश करें तो कैपिटल v प्लस 1 इज इक्वल टू होगा स्क्वायर रूट लिया तो वी बाई रूट टू आया। अब कैपिटल वी और स्मॉल वी में क्या रिलेशन है? ठीक है, ये रिलेशन है, तो हमको फाइंड आउट करना है मैन की स्पीड, इन कैपिटल वी चाहिए, तो वी को एलिमिनेट कर दे, यहां से आप लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू 2 कैपिटल वी, स्मॉल वी की जगह इस इक्वेशन में रख दे, मैं यहां लिख दे रहा हूं उसको, कैपिटल वी प्लस 1 इज इक्वल टू 1/√2 इनटू 2 कैपिटल वी, ठीक है। अब इसको इधर भेज दें, इसको इधर भेज देते हैं, और 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2 कैपिटल वी अपॉन रूट 2 माइनस वी। अगर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, स्पेस इधर नहीं है, मैं ऊपर सॉल्व कर देता हूँ, चलो वी कॉमन ले लेंगे तो 2 / √2 - 1
इज इक्वल टू वन, इसे आप लिख सकते हैं कैपिटल वी इज इक्वल टू वन बाई टू बाई रूट टू माइनस वन। अब रूट टू अगर एलसीएम ले लें तो क्या हो जाएगा, रूट टू इसको ऐसे भी लिखते हैं ना, ये तो रूट टू हो जाएगा, टू बाई रूट टू, रूट टू के इक्वल होता है क्योंकि रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे टू टू कट जाएगा, तो आ गया वन बाई रूट टू माइनस वन, ये आ गया। तो वन बाई रूट टू माइनस वन कहां पर है, ये वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है, आप सी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।